दोस्तों नमस्कार, टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ एनसीपी के सीनियर लीडर और प्रदेश के महासचिव प्रशांत पाटिल साहब हैं। आप नवीमबई के एनसीपी के प्रभारी भी हैं और इस वक्त नवीमबई में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा चल रही है, जैसे मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का मामला हो, सानपाड़ा के मस्जिद का मामला हो और पूर्व मंत्री गणेश नाइक के खिलाफ जो रेप केस का मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें एनसीपी की भूमिका प्रखर दिख रही है। तो हम सीधे एनसीपी के लीडर हैं प्रशांत पाटिल साहब, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त पूरे स्टेट में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर उतारने का मामला जो सुर्खियों में है, राज ठाकरे ने जब से अल्टीमेटम दिया है 3 मई तक अगर नहीं उतारा गया तो उसके बाद आंदोलन होगा। आप नवीमबई के निरीक्षक हैं एनसीपी के और राज्य की राजनीति को भी देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ राजनीति है या कुछ और है? एक तो 100% ये राज साहब की राजनीति चल रही है। पहले राज ठाकरे के सब लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने और पूरा देश ने उनका स्पीच सुना है, तब वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ में स्पीच देते थे और हर टाइम बोलते थे वो लगाओ भिड़ो, लावा रहे तो भिड़ो। अभी जब राज साहब के पीछे ईडी लगी तो जो वीडियो लगा रहे वीडियो, वो जो बात था अभी उनका बंद हो गया और बात बंद होने के बाद आज वो मोदी के गुणगान गाने लगे। बात ऐसी है कि पहले से चला आया हुआ जो मस्जिदों पर भोंगे है वो आज की बात नहीं है, शुरू से हो रही है और उसका डिसीजन लेना काम है वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट महाविकास आघाड़ी लेगी। लेकिन बीच में उन्होंने अल्टीमेटम 3 तारीख का दिया है। अभी बात ऐसी है 3 साल होने आए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, बीजेपी 3 साल से सोच रहे सरकार गिराने की, आज गिराएगी कल गिराएगी लेकिन उनसे हो नहीं रहे। जितने फंडे थे उतने सब फंडे उतने आजमाए लेकिन उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर उन्होंने अभी एक राज साहब को आगे किया, राज साहब को आगे किया कि यहाँ से जो मस्जिद के भोंगे निकालने का प्रक्रिया शुरू करेंगे तो उसमें दंगल हो जाएगी, फिर राष्ट्रपति राजवड़ आएगी, फिर यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। इसके लिए सब बीजेपी की चाल चल रही है और हर एक प्यादा वो आगे करता है। परसों के दिन उन्होंने 40 का प्यादा करने के लिए नवनीत राणा और रवि राणा को यहाँ पे बुलाया, जहाँ पे उनका असेंबली और जो लोकसभा का ये अमरावती है, यहाँ पे आके सीएम को चैलेंज करना, हिंदुत्व सिखाया, उनकी बात नहीं है। लेकिन जान बूझ के महाराष्ट्र का वातावरण जो खराब करने की कोशिश ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। बीच में सिलोर ओक पे एसटी कर्मचारी को भड़काया, इसके पीछे नागपुर का ही ब्रेन है, गुणवर्ते सदावर्ते इसका मेन मास्टरमाइंड है। उन्होंने लोग उनके घर पे छोड़े, जहाँ पे फिर राष्ट्रपति रिएक्ट हो जाएगी, फिर दंगल हो जाएगी। ये हिसाब से पूरा बीजेपी का राजनीति महाराष्ट्र में चल रहा है, लेकिन एक गलत है। अभी सत्ता आती है जाती है ये बीजेपी ने सोचना चाहिए। आपने 5 साल काम किया, अभी महाविकास आघाड़ी, कल आप अच्छा काम करो, अच्छा काम करने के आप सत्य पे आ जाओ, ये चलता रहता है। लेकिन आज जैसे पानी से मछली निकलने के बाद में मछली तड़फड़ती रहती है, वैसा देवेंद्र फडणवीस में महाराष्ट्र में उसका चल रहा है। मेरा एक ही कहना है कि ये महाराष्ट्र साधु संत की भूमि है, यहाँ पे सामाजिक ऐक्य रहना चाहिए। सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है वो एक साथ में रहना चाहिए। तो ये जो गलत तरीके से जो ये राजनीति बीजेपी कर रहे है, आगे राज साहब को कर रहे है, कभी नवनीत राणा को कर रहे है, कभी नीतीश राणा को कर रही है और किसी किसी को आगे करती है, ये गलत ढंग से राजनीति करे वो उन्होंने बंद करना चाहिए। एक जैसे आपने कहा कि वहाँ पर राजनीति चल रही है पूरे स्टेट में, अब नवीमबई में उसी तरह की राजनीति पैदा हो गई है, सानपाड़ा में एक मस्जिद का विरोध चल रहा है, तमाम हिंदू संगठन उसमें शिवसेना भी शामिल हो गई है, उसमें बीजेपी तो लीड कर रही है और ये विरोध चल रहा है कि यहाँ पर मस्जिद हटा दिया जाए। ये मामला राज ठाकरे के पास फिर से गया है और उनको दखल देने की अपील की गई है। आपको लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए क्योंकि नवीमबई की जो आबो हवा है वो हमेशा शांत रही है और इसके कारण जो है कम्युनल हार्मोनी को बड़ा नुकसान हो सकता है? आज नवी मुंबई देखा जाए तो पूरा महाराष्ट्र में इधर उधर दंगल हो गए हर जगह पे, लेकिन इतने सालों में नवी मुंबई शांत है। नवी मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, नवी मुंबई पहले आगरी और कोली उनकी नवी मुंबई थी, उन्होंने जमीन सिड़कों को दे दी, फिर यहाँ पे बहुत सारे जो यूपी बिहार
पश्चिम महाराष्ट्र, सांगली, सातारा यहाँ से लोग आके रहने लगे। अभी यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन शहर रहने से सब जाति धर्म के लोग धर्मभूमि में रहते हैं। यस, हर एक को रहने का अधिकार है, हर एक को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाने का भी राइट्स है। अभी यहाँ पे जो सानपाड़ा का है वहां से सामाजिक ऐक्य भंग होता है, तो भंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ बैठ के सलाह मसलत करके संवाद करके तोड़गा निकालना चाहिए, लेकिन यही अपोज करना, अपोज करने से फिर मुस्लिम धर्मियों का उनका मन दुखाने का बात करने का, फिर हिंदू धर्मियों का मन दुखाने का बात करना, ये नवी मुंबई में नहीं होना चाहिए। इतने सालों में नवी मुंबई आज भी शांत है और कल भी शांत रहेगी, लेकिन ये जो राजनीति कर रहे हैं अलग ढंग से, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक नहीं रहना चाहिए, उनमें आपस में झगड़ा होना चाहिए, ये जो लोग कर रहे हैं वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं। मेरा कहना एक ही है कि जहाँ पे शांति है वहाँ पे अशांत मत करो। आप कह रहे हैं इसमें राजनीति हो रही है, लेकिन एक राजनीति एनसीपी की तरफ से भी हुई कि जब गणेश नाइक के खिलाफ रेप का मामला हुआ तो आप लोगों ने मोर्चा निकाला, आंदोलन किया कि उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ये क्या है सर? कैसे है, गणेश नाइक तो नई मुंबई के महान नेता है, 15 साल मिनिस्ट्री में रह चुके हैं, महानगर पालिका आज 15-20 साल से उनके हाथ में है, नई मुंबई के लोग उनको छोटे से लेके बड़ों तक, महिला युवक उनको दादा बुलाते हैं। तो जो बीच में दीपा चौहान जो महिला है, उन्होंने दादा के ऊपर आरोप किया, उन्होंने निरुल पुलिस स्टेशन, सीबीडी पुलिस में तकरार दाखिल किया। अभी उनका कहना है कि मैं लिव एंड रिलेशनशिप में 29 साल से रहती हूँ, मेरे लड़के को गणेश नाइक का नाम देना चाहिए, पिताजी का नाम मिलना चाहिए। उसने उसके लिए उन्होंने पहला लेटर बाजी किया, फिर एफआईआर दाखिल हो गई। तो मेरा कहना है 29 साल से है, तो जब उनकी डिमांड भी है दीपा चौहान मैडम की कि मेरा उनका डीएनए टेस्ट भी करो, तो वो इस हिसाब में उनका पिताजी का नाम देना चाहिए। अभी वो लड़का है सूर्या नाम का लड़का है। अभी बात ऐसी है, तुम्हारा 29 साल से रिलेशन है, वो औरत बता रही है, अभी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, तो उसमें ज़्यादा मैं बोलना ठीक नहीं। यस यस, उसमें लेकिन वो महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, और न्याय मिलने के लिए वहाँ पे शिवसेना ने आंदोलन किया, कांग्रेस ने भी आंदोलन किया, और फिर राष्ट्रवादी का महिलाओं ने वो महिलाओं को जो दीपा चौहान नामक की महिला है उसको न्याय देने के लिए हमने वहाँ पे राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस स्तर पर आंदोलन किया। एक बात कही जा रही है कि ये मामले को जानबूझ के राष्ट्रवादी और महाविकास आघाड़ी के जो दल हैं उसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब इसमें राजनीतिकरण हो रहा है, आपको क्या लगता है, क्या ये सच है? नहीं, राजकरण तो नहीं हो रहा है, जो है वो आरसा सब नवी मुंबई के सामने आया है। ऐसा नहीं क्या है वो कुछ बात छुपा के रखी है, वो जो महिला पे अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, जिसको वह रिवॉल्वर लगाया, ये किया, क्या मेरे ऊपर बलात्कार किया, ये किया, उसने खुद आरोप की है, तो वो करने वाले कोई और नहीं है ना, वो कुछ महिला खुद कर रही है, वो कैमरे के सामने आ रही है, और पूरा चैनल ने उसको उठा के लिया है, और उसको न्याय देने के चैनल वाले नवी मुंबई के नागरिक, नवी मुंबई के पॉलिटिकल लोग सब उसको न्याय मिलना चाहिए, वो हिसाब से उसके उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सर, नवी मुंबई के अगर मुद्दों को देखें तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जब आघाड़ी महाविकास आघाड़ी सरकार के आने के बाद तय किया गया था कि यहाँ के जो प्रकल्पग्रस्तों के मुद्दे हैं वो हल होंगे। बीच में डिप्टी कमिश्नर जो अजीत पवार हैं लगातार 15 दिन में आ रहे थे, अब अचानक बंद हो गया। आपकी पार्टी के लीडर हैं, आपकी पार्टी के मंत्री हैं, क्या वजह हुई कि सारा का सारा ये जो ये प्रक्रिया चल रही थी अधिकारियों से मिलना, जन समस्याओं का समाधान करना, जो प्रलंबित मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए प्रयास करना, अचानक बंद क्यों हो गया? नहीं, ये बंद नहीं हुआ है, बीच में कोविड का बड़ा एज चल रहा था, तो वो टाइम पे दादा ने वो थोड़ा देर के लिए बंद किया। जैसे पार्टी ऑफिस में दादा हर गुरुवार को सुबह में 7 बजे से 1 बजे तक बैठ जाते, वो भी उन्होंने बंद करके रखा था, लेकिन ये सिलसिला वापिस शुरू होने वाला है। लोगों की जितने समस्या है वो समस्या निराकरण करने के लिए दादा जैसे पनवेल में गए, नवी मुंबई में आए, वैसे ही वापिस नवी मुंबई, पनवेल और जैसे उरण में भी आने वाले हैं। अरे ये और 15-20 दिन के बाद में, 1 महीने के बाद में वापिस ये नवी मुंबई, पनवेल और उरण में आना उनका शुरू हो जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस वक्त पूरे राज्य में संकल्प सभा कर रही है, इस संकल्प यात्रा का क्या मकसद है? फिर से एनर्जाइज करना, पार्टी को फिर से नई ताकत देना, नवी मुंबई में किस तरह की तैयारी? सर, ये पूरा महाराष्ट्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष जो जयंतराव पाटिल साहब है, जल संपदा मंत्री है,
उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में 288 विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में जाके राष्ट्रवादी परिवार संवाद यात्रा शुरू की। 1 जनवरी 2021 में शुरू कर दी थी। पूरा 15,000 किलोमीटर का यात्रा करने के बाद में 288 मतदार संघ और 357 तालुके में जाके खुद जयंतराव पाटिल साहब, जो उनकी पूरी महाराष्ट्र के हमारी सेल के अध्यक्ष है, उनको लेके गए। वहाँ पे जाने के बाद लोगों से वो चर्चा किया, संवाद किया, लोगों को क्या क्या समस्या है, वही समस्या पूछ के समस्या पे उनका निराकरण किया। ऐसे करते करते कोल्हापुर में उसका संकल्प मेला हुआ, सांगता समारोह हुआ। अभी बात ऐसी है, हर एक पार्टी को अपना खुद का पार्टी बढ़ाने का अधिकार है, हक है। जो लोगों के प्रश्न है वो छुड़ाने का हक है। अभी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सरकार है, उसमें शिवसेना है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है। अभी राष्ट्रवादी के मंत्री लोग जो हर एक जिले में जाके लोगों की समस्या है वो छुड़ाने का कोशिश करते हैं, वैसे जयंत पाटिल साहब ने एक अलग तरीके से, हर एक ढंग से लोगों उसमें लोग बहुत खुश हो गए, कार्यकर्ता खुश हो गए कि जयंत पाटिल साहब ने जो आज महाराष्ट्र में पूरा विधानसभा में जाके हर एक समस्या का निराकरण करने का उन्होंने बहुत अच्छे से कोशिश किया है। एक सा छोटा सा आखिरी सवाल, आप एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस एक साथ सत्ता में है, लेकिन जहां भी देखें तो एनसीपी के कार्यकर्ता शिवसेना में जा रहे हैं जबकि सत्तारूढ़ साथ साथ हैं। आपको लगता है कि कहीं शिवसेना अंदर खाने एनसीपी को कमजोर करे, क्योंकि हालिया जो अभी एकनाथ शिंदे का थाने में सभा हुई थी उसमें बहुत सारे एनसीपी कार्यकर्ता शिवसेना में चले गए। आपको क्या नजर आता है एज प्रभारी, एक निरीक्षक के तौर पर आप क्या नजर आपको आ रहा है कि क्या इस तरह से कोई चल रहा है अंदर खाने, कोई प्रयास शिवसेना का चल रहा है क्या कि एनसीपी को कमजोर करने का और सत्ता में बने रहने का? नहीं, कोई किसको कमजोर नहीं करता है। देखो, यहाँ पे हर एक को पार्टी बढ़ाने का अधिकार है। कोई बीजेपी के लोग राष्ट्रवादी में आते हैं, सेना के लोग राष्ट्रवादी में आते हैं या कांग्रेस के लोग आते हैं, लेकिन जहाँ पे उनको पार्टी अच्छा लगता है। जैसे कैसे एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारे शरद पवार साहब जो एक ऐसा नेता है जो उनको देश में हर एक आदमी, हर एक पार्टी उनको मानती है। हमारे राष्ट्रवादी में सब स्टॉलवर्ट लीडर लोग हैं। जब जयंत पाटिल साहब से नाम लेना शुरू करेंगे तो जयंत पाटिल साहब है, सुप्रिया ताई है, अजीत दादा है, दिलीप वलसे पाटिल है, सुनील तटकरे है, जितेंद्र आवाड़ है, राजेश टोपे, इन्हें हर एक बड़ा स्टॉलवर्ट लीडर ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ही है हकीकत में। और बात ऐसी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो मंत्री लोग हैं, नेता लोग हैं, वो लोगों का अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और हर एक को पार्टी बढ़ाने का ये है कि एकनाथ शिंदे साहब के पास में कोई जाएंगे तो वो पार्टी में लेते तो उसमें हमारे हरकत नहीं रहते हैं, और उनके लोग हमारे पार्टी में आते तो हम उनको पार्टी में प्रवेश देते हैं। ये तो पार्टी का सिलसिला आता जाता रहता ही है। एक आखिरी सवाल सर, मुंबई में जब से अशोक गावड़े अध्यक्ष बने हैं तब से जिस तरह से एनसीपी को आगे बढ़ना चाहिए उस तरह से एनसीपी आगे बढ़ नहीं पाई, आप इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, आपको रियल कारण क्या दिख रहा है और इसको सुधारने के लिए भविष्य में क्या प्लानिंग हो सकती है? बात ऐसी है, नवी मुंबई में अशोक गावड़े साहब जो जिला अध्यक्ष है, जब नवी मुंबई में गणेश नाइक राष्ट्रवादी छोड़ के जब बीजेपी में गए, पूरा नाइक कुटुंबी, तो वही टाइम पे पवार साहब ने मुझे बुला के नवी मुंबई का ऑब्जर्व करके जवाबदारी दे दी थी। उसके बाद में नवी मुंबई की परिस्थिति थोड़ी बिकट थी, परिस्थिति भी बिकट थी बिल्कुल। वो टाइम पे मैंने हर एक से कांटेक्ट किया, हर एक से जो जितने बीजेपी के में लोग गए थे उनसे भी कांटेक्ट किया, और साहब को मैंने यहाँ का पूरा समझा दिया कि नवी मुंबई की आज की परिस्थिति क्या है। तो साहब ने मुझे बताया था, पवार साहब ने, अभी क्या करना चाहते हो? साहब बोलो, पहली राष्ट्रवादी में के लोग जो बीजेपी में गए आज तक उनका पद निकालने में पहले उनकी कमेटी बर्खास्त करो, गणेश नाइक की। वो पहला कमेटी बर्खास्त करने के लिए बोला। फिर मेरे सामने बहुत जनों से मैंने बात किया, अभी किसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, कि वो ठीक भी नहीं है। फिर मेरे सामने अशोक गावड़े सर का एक आदमी, नगर सेवक था, उप महापौर थे, वो मेरे सामने चेहरा था। मैं उनको पवार साहब के पास लेके गए और उनको बोला कि साहब अभी अपने को पार्टी वहाँ पर बढ़ाना है, अशोक गावड़े को जिला अध्यक्ष बनाना है। तो साहब ने मुझे बोला कि इनको जिला अध्यक्ष बनाता हो, तुरंत बनाया, और आप वहाँ पे निरीक्षक रह के काम करना चाहिए। फिर वहाँ पे हमने पार्टी का बढ़ाने का काम शुरू किया।
दोनों आयरोली बेलापुर मतदार संघ में राष्ट्रपति उम्मीदवार खड़े किए, जो इंटैक्ट मत थे वो टाइम के भी 84,000 वही मत राष्ट्रपति को मिले हैं। बिल्कुल आज की डेट में गणेश नाइक जाने के बाद में कार्यकर्ता जो आए वो राष्ट्रपति के साथ में जुड़ा हुआ है, जो गए वो नेता लोग गए, अभी 2 साल हो गए, अभी उनका बार बार बात करके कुछ जरूरत भी नहीं है। अभी हमारे राष्ट्रपति अच्छी तरह से यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे जितेंद्र आवार साहब जो मिनिस्टर है, शशिकांत शिंदे साहब है, अशोक गावड़े है, मैं खुद हूँ निरीक्षक करके, अभी नया जो हमारे इसमें पार्टी में प्रवेश किए नामदेव भगत साहब है, भालचंद्र नलावड़े साहब है, जी एस पाटिल साहब है, चंदू पाटिल है, अच्छी सी टीम अभी नवी मुंबई में राष्ट्रपति की बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात है राष्ट्रवादी के सब सेल नवी मुंबई बने हैं, उनके अध्यक्ष है और हर एक यानी युवक का अध्यक्ष अनु अंग्रे अच्छी तरह से युवक का यहाँ पे काम कर रहा है, महिलाओं की प्राजक्ता मूड कर रहे हैं, सब अपने अच्छी तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे बढ़ाने का अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। आप सुन रहे थे एनसीपी के सीनियर लीडर और प्रदेश महासचिव और नई मुंबई के निरीक्षक प्रशांत पाटिल जी को, जो मेरे सवालों का जवाब दे रहे थे। आज की बातचीत तो बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा टीवी वन इंडिया। नमस्कार। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।